आइसक्रीम बना रहे हैं। 1 केजी का मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, मिठाई मैट लिया है 400 ग्राम का, 150 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है, अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, और अपन मिठाई मैट ले रहे हैं, मिल्क पाउडर, इसे आप अच्छे से हिला लीजिए। आप देखिए बहुत अच्छे से बीट हो गया है, बेस बन के तैयार है आइसक्रीम का। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको शुगर कम लगती है और आपको शुगर और चाहिए तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं शक्कर, या मिठाई में और थोड़ा सा आप मिक्स कर सकते हैं। चलिए फ्लेवर्स बनाएंगे, तो इसके लिए आप बेस को निकाल लीजिए अलग अलग कंटेनर्स में। ब्लूबेरी क्रश ले रहे हैं, मिक्स करेंगे 2 चम्मच, साथ में आप ब्लूबेरीज भी लीजिए। इसे आप सेट करने के लिए रखिए ओवरनाइट। सेकेंड फ्लेवर बना रहे रोज फ्लेवर, ये गुलकंद लिया है मैंने 1 चम्मच, रोज पेटल्स, रोज एसेंस ले रहे 2 ड्रॉप। इसे भी आप सेट करने के लिए रखिए ओवरनाइट। नेक्स्ट फ्लेवर बना रहे हैं अपन प्लेन वेनिला, इसके लिए मैंने वेनिला एसेंस लिया है, इसे भी सेट करेंगे ओवरनाइट। नेक्स्ट फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर, कोको पाउडर ले रहे हैं 1 चम्मच, चॉकलेट एसेंस डाल रहे हैं, चोको चिप्स डाल रहे हैं 2 चम्मच, ओवरनाइट सेट करने के लिए आप इसको फ्रीजर में रखिए सभी को। बादाम फ्लेवर बना रहे, बादाम लिए मैंने, और इसे आप इस तरह से कट कर लीजिए, मोटा मोटा ही चॉप करना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं। बादाम को आप या तो कढ़ाई पे सेक लीजिए या फिर माइक्रोवेव में रोस्ट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। आलमंड फ्लेवर बना रहे हैं, तो एसेंस आलमंड का लिया है मैंने 2 ड्रॉप। ये जो अपन ने रोस्ट किया है आलमंड वो डालेंगे। ओवरनाइट सेट करेंगे इसे भी। ऑरेंज फ्लेवर बना रहे, ऑरेंज क्रश लिया है 2 चम्मच ऑरेंज क्रश, और ये ऑरेंज चॉकलेट बार लिया है मैंने। आप अगर इसे बनाना घर में पसंद करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो चॉकलेट चंक्स भी डालेंगे, ये ऑरेंज चॉकलेट चंक्स, आइसक्रीम बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, इसे सर्व करेंगे आप।